हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। टुडे आई वांट टू टेल यू अबाउट एयर इंपैक्ट रेंज गन। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, मेरे पास एक्चुअल में एक एयर इंपैक्ट रेंज गन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। और ये कंप्रेस्ड एयर पर वर्क करता है, मतलब कि मेरे पास एक कंप्रेसर भी है जिसको इसका यूज़ किया जाता है, टू स्टेज एयर कंप्रेसर। जैसे आपको मैं पास से दिखाऊँगा, जहाँ से अभी धूप हो रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी है मेरी वर्कशॉप में। तो ये मेरे पास ये टू स्टेज एयर कंप्रेसर है, जैसा आप देख रहे हैं। और तो इससे यहाँ से मैं कनेक्शन देता हूँ, मतलब इस कनेक्शन को अगर मैं इस वॉल को ओपन कर दूँगा तो कंप्रेसर इस पाइप के थ्रू उस मेरी जो मशीन पड़ी है उसमें जाएगी, जो आप सामने देख रहे हैं। और जैसे मैं अभी इसको ऑन, आप सब इसको फिजिकल देख सकते हैं, यहाँ पे एक गेज भी है जो बताता है इसमें कितना प्रेशर है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, अभी ये पॉइंट कर रहा है मुझे अराउंड ऑफ, आप देख सकते हैं यहाँ 5 और 10 के बीच में पॉइंट में इस कंप्रेसर टैंक के अंदर प्रेशर दिखा रहा है। एंड जैसे मैं इस वॉल को ओपन करता हूँ तो इसमें एक कंप्रेसर जाने लगेगा, एक कंप्रेस्ड एयर का फ्लो इसमें होने लगेगा। तो ऐसे आप देख रहे हैं, अब मेरी मशीन के पास है ना, मैं इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर आ गई है। और जब इसमें इसके आगे जो लगा हुआ है एक क्या बोलते हैं ये जो ये है उसे बोल इसे मतलब आम भाषा में गोटी बोलते हैं लोग, इसको वैसे वो सॉकेट बुलाते हैं। ये 32 mm का सॉकेट है, क्योंकि इसका जो बोल्ट का जो नंबर है वो 32 mm है। और इसे जब मैं इसे इस बटन को जब मैं प्रेस करता हूँ तो क्या होता है, ये जो ये मैं रॉड आ गया जी, वो रोटेट बन चालू होती है, तो आप देख रहे हैं। एंड और इसका इस्तेमाल मैं जो ये बोल्ट होते हैं इनको खोलने और बंद करने के लिए करता हूँ। तो इसमें यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इससे अगर मैं क्लॉक वाइज करता हूँ तो बंद होते हैं, और एंटी क्लॉक वाइज करता हूँ तो खुलते हैं। तो मैं इसका भी खोलने की कोशिश करूँगा, तो इसमें एक बार खोलने की कोशिश करूँगा तो ये भाई जैसे आप देख रहे हैं, हाँ इसे खोलने का देख रहे अब मतलब आप देख सकते हैं कि ये खुल चुका है बिल्कुल ही, आपका बोल्ट ओपन हो चुका है। और ये मेरा टायर है 2020 का, और इसको अगर मेरे को टाइट करना है तो जो यहाँ पे एक पॉइंट दिया आता है इसमें, इस मशीन पे एक पॉइंट दिया आता है, आप देखिए इस पॉइंट को, इसको क्लॉक वाइज कर दूंगा मैं। क्लॉक वाइज करने के बाद क्या होगा, इसको टाइट कर सकते हैं हम, देन ये कम्प्लीटली टाइट हो जाता है, ऐसा देख सकते हैं कम्प्लीटली टाइट हो गया। तो मतलब कि मैं जो एयर इंपैक्ट रिच गन का इस्तेमाल अपने में जो टायर के बोल्ट होते हैं उनको हफ्ते बोल्ट होते हैं उनको खोलने और बंद करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ऐसे आप देख रहे हैं। और मैंने इसके और बोल्ट तो इसी मशीन की मदद से खोल दिया, ताकि मुझे इसका हब का इसके हब की सर्विसिंग करवानी है और इसके टायर भी चेंज करने हैं, इसकी टायर कंडीशन भी खराब हो गई थी। तो जैसा आप देख रहे हैं तो इसलिए और मैंने आप टुडे आई टोल्ड यू अबाउट एयर इंपैक्ट रिच गन, and I hope you can understand about this, and please comment me if you want video about another topic. Please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you guys.